Good morning student, have a nice day. My name is Tina Malakar. Today's topic, लेखांकन का अर्थ एवं परिभाषा, mean and definition of accounting. अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना फीडबैक जरूर दें. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, लेखांकन की परिभाषा. तो लेखांकन की परिभाषा, लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को पहचानने, मापने तथा लिखकर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ता तक संप्रेषित किए जा सके. तो यह है लेखांकन की परिभाषा. अब लेखांकन के एक एक शब्द को समझेंगे कि लेखांकन की परिभाषा, ये लेखांकन की परिभाषा कहना क्या चाहती है. एक एक वर्ड को समझेंगे अपन. तो पहला वर्ड है लेखांकन. अब लेखांकन का मीनिंग क्या है, तो लेखांकन का मीनिंग समझेंगे. लेखांकन, तो लेखांकन का अपन शब्द विशेष करेंगे तो ये लेख प्लस अंकन, ये दो शब्दों से मिलकर बना है लेख प्लस अंकन. लेख मानी लिखना, अंक मानी अंकों में, अंकन मानी अंकों में. मतलब लेखांकन का अर्थ क्या हो गया, लेख प्लस अंक. और लेख मतलब लिखना, अंकन मतलब क्या होगा, अंकों में लिखना. अब क्या लिखेंगे अपन, लिखना है वो भी अंकों में लिखना, लिखेंगे क्या. लेखांकन संगठन, संगठन मतलब ये संगठन का समझेंगे. संगठन नहीं, व्यवसायिक उपक्रम. व्यवसायिक उपक्रम का क्या होता है, उद्देश्य लाभ कमाना होता है. अपन व्यवसायिक उपक्रम को व्यापारिक हो सकते हैं, बिजनेस भी हो सकते हैं. तो संगठन का अर्थ क्या हो गया, व्यापारिक उपक्रम जिसका उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना, व्यापार एवं बिजनेस. फिर बोला लेखांकन संगठन. संगठन समझ में आ गया, संगठन की आर्थिक घटनाएं. आर्थिक घटनाएं क्या होती है, तो आर्थिक घटनाओं का तात्पर्य व्यवसाय में होने वाले लेन देनों का मापन मुद्रा में किया जाना क्या कहलाता है, आर्थिक घटनाएं कहलाता है. मतलब ऐसे ही ऐसे लेन देनों का लेखा अपन पुस्तकों में करेंगे जिनका मापन मुद्रा में किया जा सके. मुद्रा में मापन, किया जा सके, मुद्रा में मापन किया जा सके. अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन. फर्स्ट एग्जाम्पल, राम ने शाम को माल बेचा. राम ने शाम को माल बेचा. अब ये एक व्यवसाय का एक लेन देन है कि राम ने शाम को माल बेचा. अब माल बेचा, बेचा क्या, माल बेचा. अब माल को अपन मुद्रा में मापन कर सकते हैं कि 10,000 का माल बेचा, 20,000 का माल बेचा. तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, कैश में माप सकते हैं. दूसरा एग्जांपल लेते हैं अपन, कर्मचारी ईमानदार है. कर्मचारी ईमानदार है ये एक व्यवसाय का ट्रांजेक्शन, इसमें क्या ईमानदार है. तो अपन ईमानदार को कम अपन कर सकते हैं कि एक व्यक्ति 10,000 ईमानदार है या व्यक्ति 20,000 रुपए ईमानदार है. तो अपन ईमानदारी को मुद्रा में नहीं मापन कर सकते, इसकी कोई विधि नहीं है कि ईमानदारी को मुद्रा में मापन किया जा सके. तो ये इसमें अपन ये क्या, इस ट्रांजेक्शन का अपन लेखा पुस्तकों में नहीं कर सकते. केवल उन्हीं ट्रांजेक्शन का लेखा पुस्तकों में लेखा करेंगे जिनका मापन मुद्रा में किया जा सके. अब इसको आंतरिक घटना को अपन दो भागों में बांट सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक एवं बाह्य. आंतरिक एवं बाह्य. अब आंतरिक क्या होता है, आंतरिक मतलब जो व्यवसाय के अंदर होता है वह आंतरिक कहलाता है, और जो व्यवसाय के बाहर होता है वह क्या कहलाती है, बाह्य घटना कहलाती है. अब आंतरिक घटना के अपन एग्जाम्पल लेंगे, जैसे कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान किया, कंपनी में मशीन की स्थापना की. और बाह्य घटक क्या होते हैं, शाम को माल बेचा, शाम को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की. मतलब यहाँ पर नॉर्मल शब्द में अपन बोल सकते हैं जो व्यवसाय के अंदर जो लेन देन होते हैं वह आंतरिक कहलाते हैं, और जो व्यवसाय के बाहर जो लेन देन होते हैं वह क्या कहलाते हैं, बाह्य कहलाते हैं. और आर्थिक घटनाओं मतलब होता है जिनका मापन मुद्रा में किया जा सके, ये नॉर्मल अपन कर सकते हैं. लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं, आर्थिक घटनाओं मतलब जिनका मापन मुद्रा में किया जा सके, को पहचानना. अब पहचानने का अर्थ क्या होगा, जो कि जो व्यवसाय से संबंधित है,
जो व्यवसाय से क्या है संबंधित है, केवल उन्हीं का क्या करेंगे अपन लेखा पुस्तकों में लेखा करेंगे। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। एग्जाम्पल, मोहन ने 10,000 का माल बेचा। अब मोहन एक कपड़े का व्यापारी है, उसने क्या करा 10,000 का माल बेचा। तो क्या बेचा उसने? माल बेचा। तो ये क्या एक व्यवसाय से संबंधित है, तो उसका लेखा पुस्तकों में क्या करेंगे? ट्रांजेक्शन, यानी उसकी एंट्री करेंगे। ये है फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल समझते हैं। राम ने सोहन को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घड़ी घड़ी उपहार में दी। क्या दी? राम ने सोहन को व्यक्तिगत उपयोग के लिए घड़ी उपहार में दी। अब ये क्या एक व्यवसाय से संबंधित है? एक ये तो क्या हो गया? पर्सनल ट्रांजेक्शन हो गया। व्यक्तिगत उपयोग के लिए दी, उसको पर्सनल यूजेस के लिए दी। लेकिन आप बोलोगे मैम आपने तो यहां बोला था कि जो जिनका मापन मुद्रा में किया जा सके उनका लेखापन लेखा पुस्तकों में करेंगे। हाँ, अपन घड़ी घड़ी का कार्य क्या कर सकते हैं? मुद्रा में मापन कर सकते हैं। लेकिन ये व्यवसाय से संबंधित नहीं है, इसलिए इसका अपन लेखा लेखा पुस्तकों में नहीं करेंगे। मतलब यहाँ पहचान से मतलब है जो लेन देन व्यवसाय से संबंधित है केवल उन्हीं का लेखा अपन क्या करेंगे? लेखा पुस्तकों में करेंगे। अब पहचाने का समझ में आ गया। अब मापन, मापन मतलब होता है अपन अपनी इंडियन करेंसी क्या है? रुपए और पैसे। मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनको रुपए तथा पैसे में मापना, रुपए एवं पैसे में मापना क्या कहलाता है? मापना। अब और लिख कर रखना, लिखेंगे किसमें? अपन व्यवसाय की लेखा पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में। लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं क्या जिनका मापन मुद्रा में किया जा सके को पहचानना, मतलब जो व्यवसाय से संबंधित हो। मापने मतलब मापने का अर्थ किया जिनका मापन रुपए तथा पैसे में किया जा सकता। लिख कर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया, लिख करना मतलब लेखा पुस्तकों में लिखना, जिसके माध्यम से मतलब जिसके थ्रू अपन क्या कर सके? सूचनाओं से संबंधित आंकड़े। अब अपन इस लाइन का अर्थ समझने के लिए अपन को एक एग्जांपल लेंगे। जैसे मैं एक व्यापारी हूं और मुझे जानना है कि मेरे पूरे साल में कितनी सेल्स हुई, तो मैं क्या करूंगी? लेखा पुस्तकों में जाऊंगी और सेल्स बुक देखूंगी कि पूरे साल में कितनी सेल्स हुई। तो यहाँ ये बोल रहा है जिसके माध्यम से, अब जो ये लेखा पुस्तक है इसके माध्यम से क्या करेंगे अपन? सूचनाओं से संबंधित सूचना मेरे को क्या चाहिए? सेल्स जाननी है मेरे को। सेल्स डेटा, डेटा मतलब सेल्स बुक में जाकर देखूंगी। उपयोगकर्ता, उपयोगकर्ता कौन है? मैं हूं, क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो उपयोगकर्ता का अर्थ क्या होगा यहाँ पे? सूचना जिसके लिए उपयोगी है, उपयोगी वे क्या कहलाएगा? उपयोगकर्ता। अब उपयोगकर्ता प्रबंधक हो सकता है, ग्राहक हो सकता है, सरकार हो सकती है। उपयोगकर्ता के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी पूरी फुल। तो यहाँ पर बस इतना समझ लेते हैं कि उपयोगकर्ता कौन होता है? सूचना जिसके लिए उपयोगी होती है कहलाता है उपयोगकर्ता होता है। मतलब सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ता तक क्या करना? संप्रेषित किए जा सके। संप्रेषित मतलब होता है पहुंचाना, मतलब इतना पहुंचाना या फिर उनको समझ में आना, पहुंचाना या समझाना, उपयोगकर्ता तक इनको पहुंचाना या समझाना, जिससे वे क्या कर सके? जो भी उनको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी ये डेटा लेंगे उसका क्या करेंगे? वे आकलन करेंगे और वे व्यवसाय के लिए नियोजन तथा नियंत्रण करके क्या करेंगे? वे व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेंगे। तो ये था संप्रेषित में आते हैं। ये होगी लेखांकन की परिभाषा। एक बार इसको अपन संक्षिप्त में समझ लेते हैं। लेखांकन, लेखांकन का अर्थ क्या है? लिखना तथा अंकों में लिखना। किसके लिए लिखेंगे अपन? संगठन के लिए लिखेंगे। संगठन की आर्थिक घटना, आर्थिक घटना का मीनिंग क्या है? जिसको मुद्रा में मापा जा सके। को पहचानना, पहचानना मतलब जो व्यवसाय से संबंधित हो। को मापने, मापने मतलब रुपए तथा पैसे में मापना। लिखना, लिखना कहाँ लिखेंगे अपन? लेखा पुस्तकों में लिखेंगे। लिख कर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है, मतलब ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं? जिसके थ्रू सूचनाओं से संबंधित जो भी अपन को इंफॉर्मेशन चाहिए उसको डाटा अपन कहां से लेंगे? लेखा पुस्तकों में से लेंगे।
उपयोगकर्ताओं तक संप्रेषित करना, मतलब पहुंचाना और उनको समझ में आए किए जा सके, संप्रेषित किए जा सके। ठीक है, तो ये थे लेखांकन की परिभाषा, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। लेखांकन संगठन की आर्थिक घटनाओं को मापने, पहचानने तथा लिखकर रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सूचनाओं से संबंधित आंकड़े उपयोगकर्ता तक संप्रेषित किया जा सके। तो ये थी लेखांकन की परिभाषा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और लास्ट वीडियो के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। कीप सपोर्टिंग मी।